आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे तो इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। इस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। फिर उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मुझे डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा या फिर आप प्ले स्टोर से। डिजी लॉकर नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। डिजी लॉकर का लोगो इस तरह का है। ये एप्लीकेशन 2015 में लॉन्च किया गया था। आप मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और इसके वेबसाइट से जो मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ लगभग सेम प्रोसेस है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन इन और साइन अप है। साइन इन तब करेंगे जब इस पे मेरा अकाउंट रहेगा, तो मैं साइन अप करके दिखलाता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आप 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं किसी भी बोर्ड का, और बहुत सारा सरकारी जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारा इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन यूज करने से फायदा ये होता है कि जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं उस कंडीशन में अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी इस एप्लीकेशन से ये लॉग इन करके आप कहीं भी रहिएगा तो वहाँ से आप आराम से निकाल के प्रिंट आउट करके आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक छोटा सा फॉर्म है जिसे फिलअप करना होगा, इसमें अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स है वो डिटेल्स भर लेता हूँ। जैसे कि इसमें अपना नाम डाल लेना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। जैसे कि मैंने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक अपना 6 डिजिट का पिन या फिर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के सबमिट कीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपके नंबर पे आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। मेरे नंबर में ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप अपना एक यूजर नेम चूज कर लीजिएगा, जो यूजर नेम रखना चाहते हैं। ये ऑलरेडी है, इसे आप रख सकते हैं, तो मैं इसे रख लेता हूँ। और ओके कर देने के बाद योर यूजर नेम इज एक्टिव, ये सक्सेसफुली अकाउंट इस पे क्रिएट हो चुका है। इतना आसान है डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाना। जैसे कि यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे कर देना क्लिक। अब मेरे ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है, सेंड कर दिया गया है। अब अपना ईमेल आईडी खोल लेता हूँ, उसमें चेक करता हूँ कि मेल आया है कि नहीं आया है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, देखिए मेल आ चुका है। इस पे करूँगा क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये एक लिंक दे दिया है, इस लिंक पे कर देना है क्लिक। क्लिक हियर टू वेरीफाई, इस पे कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से साइन इन कर लेना है, जैसे कि यहाँ साइन इन है ही। अब यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट पे कर देना है क्लिक। इशू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे आधार से डिजी लॉकर को लिंक करने के लिए बता रहा है। डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आधार को डिजी लॉकर से लिंक करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे कर देना है क्लिक। अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे एक ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। जैसे कि मेरा ओटीपी आ चुका है, ओटीपी वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई पे जैसे क्लिक कीजिए, योर आधार डेटा इज सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे फिर आके देखेंगे मेरा आधार, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, मेरा आधार इसमें अपलोड हो चुका है। जितना भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करेंगे सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे काउंटिंग होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे में सिर्फ एक ही है, गेट इशू डॉक्यूमेंट पे कर देना है क्लिक। और इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि आधार कार्ड हुआ या नहीं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के डेट में ये डाउनलोड किया गया है, ये आधार खुल के आ गया। दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि और भी कोई डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे कर देना है क्लिक। और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में भी कोई डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि मैं यहाँ इसमें आप पैन नंबर इंक्लूड करने वाला हूँ, तो इस पर कर देना है क्लिक। और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पे कर देना है क्लिक। जैसे पैन वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अब यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल लीजिए और नाम डाल दीजिएगा, तो आपका पैन कार्ड भी इसमें अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल लीजिए,
और यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिए और आई एग्री पे करके गेट डॉक्यूमेंट पे कर दीजिएगा क्लिक। जैसे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा ये सर्च कर रहा है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखलाता हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने डाल के रखे हुआ हूँ। जैसे कि मैंने इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, पैन कार्ड, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, ये सारा डॉक्यूमेंट इसमें रखे हुआ हूँ। जब भी इसमें जरूरत हो तो आप यहाँ से इसे शेयर आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसका मुझे जरूरत है ड्राइविंग लाइसेंस का तो इसमें मैं करूँगा इस पीडीएफ पे करूँगा क्लिक। यहाँ पे ये पीडीएफ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। अब जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह से ये पीडीएफ खुल के आ जाता है और इसे आप प्रिंट करके कहीं भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे कहीं भी दिखला सकते हैं। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं और उस टाइम में आप हार्ड कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस भूल जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत पड़ता है तो आप इसमें से वहाँ दिखला सकते हैं, इससे भी आप बच सकते हैं। यानी कि आपको इसमें आप डॉक्यूमेंट रखते हैं तो बहुत सारा फायदा है कि ये हमेशा मोबाइल तो आपके पास हमेशा रहता है और इसका जो एप्लीकेशन है डिजी लॉकर वो प्ले स्टोर से ले लीजिएगा और उसमें इसे लॉग इन करके आप रख सकते हैं और आसानी से दिखला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल गुरुकुल आइडियाज को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।